दोस्तों स्पीडो में मैच जो कवर करने वाले जो कि बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल मैच खेला जाएगा और ये मैच है लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच मैच है। आप देखोगे तो दोनों ही काफ़ी तगड़ी टीम, जिसमें हमारी चेन्नई काफ़ी फेवरेट टीम रहेगी। लखनऊ जो कि ये भी काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन चेन्नई इस मैच में थोड़ा फेवरेट रहना चाहिए। और इस वीडियो में आपको किसी और की तरह टीम आपको नहीं दूंगा, अपना प्रिडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा कि आज का मैच कैसा जा सकता है और कौन सा प्लेयर स्कोर करेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएगा, बस ये 6-7 मिनट में आपको पूरा मैच पता चल जाएगा कि कैसा जाएगा ये मैच। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कोई नहीं देता है। अभी टाइम पे आप सभी आपको स्टैट्स देखे, आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन हम आपको अपना बेस्ट प्रेडिक्शन एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जो कि कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी है, और काफ़ी अच्छा गिव अवे है। आपको बताऊंगा कैसा गिव अवे है, जिससे आप इजिली सभी को पैसा मिलेगा, सभी को, मतलब 1000 कमेंट्स इस वीडियो पर आते हैं तो 1000 लोगों को भी पैसा मिलेगा। 10,000 कमेंट्स आते हैं तो 10,000 लोगों को भी पैसा मिलेगा। और किस तरह से आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम कीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैट ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बताया था इस मैच में बारिश के चांसेस है, 35% बारिश हो सकती है, और वही हुआ, बारिश चल ही रहा है। तो टेलीग्राम चैट उसे ज्वाइन कर, 33,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे, जहाँ पे फाइनल टीम और बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। एंड अब बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट बॉक्स लिंक से ज्वाइन करें, कमेंट बॉक्स में लिंक भी नहीं। तो सबसे पहले ना आपको प्रेडिक्शन शेयर करूंगा, उसको अगर नोट डाउन कर सकते हो, एक पेज ले लो और एक पेन ले लो, आप उसको लिख के रख लेना, उसके हिसाब से अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। और यकीन मानिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, ऐसे वीडियो कोई नहीं देता है। पहले उससे पहले आप ये पार्टिसिपेट कर लो, बहुत सिंपल सा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, बस एक नीचे कमेंट कर देना, आपको एक नीचे कमेंट कर देना है। अगर आपके वीडियो पे जितने लाइक आएंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, अगर किसी के कमेंट पे 100 लाइक आते तो 100 रुपये उसको मिलेंगे, किसी के कमेंट पर अगर 1000 लाइक आते तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे, यानी कि जितने कमेंट्स उतनी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से ज़्यादा कमेंट्स होना चाहिए, तो ही आपको 20 रुपये से ज़्यादा मिलेगा। 20 से ज़्यादा अगर लाइक्स रहेंगे ना, 20 से ज़्यादा लाइक, कमेंट नहीं, कमेंट एक करना है, लाइक अगर 20 से ज़्यादा रहेगा इजीली आपको 20 से ज़्यादा लाइक मिल जाएगा। तो जो से मतलब कि आप लोग कमेंट कर देना, जितने लाइक उतने आपको पैसे मिलेंगे, अगर किसी के 100 लाइक आ जाते तो 100 रुपये, किसी के 200 लाइक आते तो 200 रुपये, ठीक है, किसी के कमेंट पे। तो सबसे प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, जो से पार्टिसिपेट, बस एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर देना जो कि लोगों को अच्छा लगे, और बस आपको लाइक मिल जाएगा, एक अच्छा सा कमेंट। लोकेश राहुल जो कि टीम दस है, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो पहली बात तो बंदा टीम दस फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो लोकेश राहुल आपको हो सकता है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे बहुत सिंपल रहेगा, और ड्रीम इलेवन अगर ऐसा चीज फीचर प्रोवाइड करे तो आपको यूज़ भी करना चाहिए। लोकेश राहुल मुझे लगता है इस मैच स्कोर करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा पतला पेंसिल कर लेता हूँ जिससे ना लिखने में इजी हो। तो आपको सबसे पहले ना आपको प्रेडिक्शन दे देता हूँ, क्विंटन डिकॉक जो मुझे लगता है इस मैच जो स्कोर करेंगे, पहली बात तो चेन्नई इस मैच को विन करना चाहिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि चेन्नई विन करेगी इस मैच को। हालांकि लखनऊ बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन चेन्नई बहुत फेवरेट रहेगी अपनी, ऐसा नहीं कि चेन्नई मेरी फेवरेट है तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा मतलब कि इस एक्सपीरियंस कहता है कि चेन्नई इस मैच को विन करेगी वन साइडेड है। तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक कितने रन ने स्कोर करेंगे, कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको देंगे, क्या ड्रीम टीम ये नजर आएंगे, तो बिल्कुल आपको ड्रीम टीम आपको ये नजर आ जाएंगे। टीम दस ये स्कोर कर सकते हैं, मुझे लगता है 20 से 25 रन आपको आराम से स्कोर करके देंगे क्विंटन डिकॉक, 35 से 40 केएल राहुल, नोट कर रख ले, नोट करके रख लो, ठीक है, मैं आपको इसे प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आपको स्कोर करके दे देंगे 35 से 40 रन, इतना यार आपको स्कोर करके दे देंगे, 20 से 25 रन इनसे होप कर सकते हो, 20 से 25 रन। उसके अंदर पूरन पावर हिटर है बंदा टीम, बस अगर ज़्यादा ओवर मिल गया तो ज़्यादा खेलेगा, अदरवाइज 25 रन तक की होप आप निकोलस पूरन से कर सकते हो, हालांकि 40-41 रन भी मार देता है, लेकिन आप 25 रन की होप कर सकते हो इनसे। तो बता दी ना 35 से 40 रन इनसे होप कर लेना, 20 से 25 आप इनसे होप कर लेना, 25 तक इनसे होप कर लेना। MS धोनी कुछ कह नहीं सकते कि पावर हिटर है अपने और अपने फेवरेट प्लेयर भी है, लास्ट मैच में 3-4 बॉल पर आपको पता है 20 रन स्कोर किए थे। शिवम दुबे जो कि टीम दस है, अपने टीम दस काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी पर हाफ सेंचुरी लगा रहे, काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है शिवम दुबे, मुझे लगता है अगर टीम पहले बैटिंग किए तो 40 रन ये स्कोर कर देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ अगर टीम पहले बैटिंग किए तो हालांकि मुझे लगता है ज़्यादा स्कोर ना करें, मे बी 30 से 35 रन के अंदर आउट हो सकते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। सचिन रविंद्र अभी तक फॉर्म थोड़ा सा खराब ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि 30 रन आराम से स्कोर करके देंगे, यानी कि आपके लिए जो जो 30 पॉइंट्स बोल और 30-30 रन वो आपके ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाएंगे। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे अभी तक फॉर्म खराब है, बट गारंटी ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बट अच्छे पे डरिंग भी चल, पता नहीं ये अपनी कंट्री के लिए तो मतलब एकदम से पावर हिटर बन जाता है, बट चेन्नई के लिए जब बैटिंग आता है तो टुक टुक करके खेलता है, तो मैं दिमाग खराब करने वाला प्लेयर है,
टहरील में चली। तो मुझसे इनके बारे में पूछो नहीं तो अच्छा रहेगा। ये बंदा टुक टुक करके खेलता है, T20 खेलना है, और जबकि बंदा अपनी कंट्री के लिए खेलता है तो डबल सेंचुरी मार देता है। बताओ यही प्लेयर ने डबल सेंचुरी मारा था, तो दिमाग खराब करने वाला प्लेयर है, मुझसे इनके बारे में पूछो ही मत, क्योंकि जब चेन्नई को जरूरत रहता है तो खेलता ही नहीं है। उसके लिए दीपक हुडा वैसे तो प्लेयर जबरदस्त है, लेकिन उससे ज़्यादा रन की होप मत कर, ड्रीम टीम आपको नज़र में भी ना आए, आयुष बड़ोनी में भी ड्रीम टीम आपको नज़र ना आए। तो इस सबको साइड रखते हैं, ये आपको 40 रन दे सकते हैं, या आपको 30 रन दे सकते हैं, या आपको 30 रन दे सकते हैं, रहाने 20-25 रन मार देंगे। डेरिन मिचेल से कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि बंदा कुछ नहीं कर रहा है, 17 रन की होप करना। उसके अलावा रविंद्र जडेजा मुझे लगता है 1 विकेट आराम से आपको देंगे, 1 विकेट। मार्कस स्टोनिस हो सकता है कुछ रन स्कोर कर दे और एक से ज़्यादा विकेट ना ले, लेकिन कुछ रन स्कोर कर देंगे। अगर बैटिंग मिल गया तो 20-25 रन मार ही देंगे। कुणाल पांड्या जो कि टीम से काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा विकेट ना ले, ना तो विकेट ले जाए, हो सकता है एक से ज़्यादा विकेट ना ले कुणाल पांड्या, एक से ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगा। उसके अलावा मथीसा पतिरा ना काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किए थे भाई, और ये नहीं रहता तो हो सकता था चेन्नई हार जाती, क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई का बैटिंग ऑर्डर मतलब कि चल रहे थे बैट्समैन, उस हिसाब से पतिराना का अगर नहीं खिलाते लोग तो पक्का मतलब कि पतिराना मतलब वही पक्का चेन्नई हार जाते, पतिराना अगर नहीं आते तो। रहमान जो कि टीम बस काफ़ी अच्छे प्लेयर, हो सकते हैं एक ही विकेट ले, पतिराना 2 विकेट आपको लेके दे सकते हैं और ये 1 विकेट। उसके अलावा रवि बिश्नोई हो सकता है टीम दस से आपको एक से ज़्यादा विकेट ना ले, बट अदरवाइज हो सकता है विकेट ले जाए। यश ठाकुर हो सकता है एक से ज़्यादा विकेट या फिर विकेट ले जाए। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर अभी तक बहुत ख़राब फॉर्म में चल रहे, बट गैल टीम ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, अगर स्टार्टिंग विकेट गिरा तो काफ़ी जबरदस्त ऑप्शन है। तुषार देशपांडे जो कि टीम से काफ़ी जबरदस्त ये भी प्लेयर है, लेकिन इससे ज़्यादा होप मत करना, शार्दुल ठाकुर हो सकता है एक से ज़्यादा विकेट दे, तो गैल टीम जो से पिक ना 1-2 विकेट आपको दे के दे देंगे। उसके अलावा एम खान वगैरह जो सब कुछ खास है नहीं, नीचे कोई खास ऐसे है नहीं। तो आपको हर एक प्लेयर का आपको प्रेडिक्शन आपको शेयर कर दिया, जितनी प्रेडिक्शन थे आपको बता दिया। क्विंटी डेकॉक हो सकता है 20-25 रन स्कोर कर दे, केएल राहुल हो सकता है टीम से आपको कितने रन, केएल राहुल हो सकते हैं कि स्कोर कर दे 35 से 40 रन स्कोर कर दे। दीपक हुडा में भी ज़्यादा स्कोर ना करे 15-20 रन। आयुष बड़ेन हो सकता है कि 25 मार दे, मार्कस स्टोनिस हो सकता है 20 रन मार दे। पूरन पावर हिटर है कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि हिटिंग में प्रमोट हो जाएगा, ओवर मिल गया तो 40 ही मार सकता है, अदरवाइज 25 रन से ज़्यादा होप ना करें। कुणाल पांडे 1 विकेट में भी ले ना तो वो भी ना। उसके अलावा नीचे कोई खास रवि उसमें विकेट ले जा सकते हैं। यश ठाकुर अच्छी बॉलिंग करे बट एक से ज़्यादा होप मत करना। अजिंक्य रहाणे भी 15 से 20 रन की होप कर लेना। रचिन रविंद्रा 30 रन से ज़्यादा होप की मत करना, इनसे भी 30 रन की ज़्यादा होप मत करना, हालांकि 30 रन आराम से स्कोर करेंगे जो ड्रीम टीम में आपको देखेंगे। उसके अलावा शिवम दुबे हो सकता है 40 रन मार दे। डेरिन मिचेल कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि 15-20 रन से ज़्यादा ये स्कोर कर नहीं रहा, जबकि अपने कंट्री के लिए डबल सेंचुरी मारता, बट किसी इसके लिए कुछ नहीं। एमएस धोनी इसके बारे इनके बारे कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये पहली बार तो लास्ट मैच के 4 छक्के मतलब कि 4 छक्के भी मार सकते हैं, तो इतना याद रखिएगा। जडेजा 1 विकेट सिम। उसके अलावा समीर रिज भी कुछ खास नहीं। यश ठाकुर में सॉरी शार्दुल ठाकुर जो टीम ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, तुषार देशपांडे ठीक है, रहमान टीम 1 विकेट, पथिनाना 2 विकेट। तो आपको सभी प्रेडिक्शन शेयर कर दिया और सभी कुछ रिपीट कर दिया। अब आपको अच्छी टीम क्रिएट करना है, हालांकि टेंशन ना लो, मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, और आपको कैसी वीडियो लगी जो उससे बताना, और गिव अवे कैसे सिंपल से गिव अवे, आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे कमेंट कर देना एक प्यारा सा, और अगर आपके लाइक आपके जितने आपके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक रहेंगे तो आपको मिलेगा, देखो जितनी लाइक उतने पैसे। अगर 1000 कमेंट्स आते, अगर 1000 लोगों को मतलब कि सभी जितने लाइक रहेंगे ना उन सबको पैसा, जितने हर एक बंदा को पैसा मिलेगा, इतना याद रखना। बस कंडीशन ये कि 20 से ज़्यादा लाइक होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले। अगर 100 लाइक आते हैं आपके कमेंट पे तो 100 रुपये, अगर आपके कमेंट पे आपके आते हैं 200 लाइक तो 200 रुपये, अगर आपके कमेंट पे 1000 लाइक आते हैं फिर 500 आते, 1000 आते हैं तो 1000 रुपये, यानी कि आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना पैसा मिलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को जूस लाइक कर देना, पार्टिसिपेट करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना, और जूस से पार्टिसिपेट करें, ऐसा गिव अवे कोई नहीं किया हुआ, जितने विनर्स होंगे सभी को पैसा मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कैसा लगा वीडियो जूस से कमेंट में बताना। बाकी टीम एक मतलब कि जैसे प्रेडिक्शन दिया हो ना उसको नोट करके लिख लेना, और गिव अवे जूस पार्टिसिपेट करें।